स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उन गर्ल्स के लिए है जो कि चाहते हैं नर्स बन करके अपना भविष्य उज्ज्वल करें और नर्सिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें और सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहें और जो भी पेशेंट हैं उनकी सेवा कर सकें, उनकी केयर कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मेडिकल फील्ड से जुड़ करके एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, उन सभी गर्ल्स के लिए है जो नर्सिंग के क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ और ये खासकर उन गर्ल्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि नर्स बन करके एक अपना अच्छा भविष्य निर्माण कर सके। तो आज की जो टॉपिक है एएनएम का जो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि एएनएम है क्या, एएनएम करके हम कर क्या सकते हैं, कितने साल का ये कोर्स है, इसमें फीस कितनी लगती है, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है कि क्या कैसे इस कोर्स को हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाला हूँ और आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि एएनएम करके आप भविष्य में क्या कर सकते हो, आपको जॉब कैसी मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी और किस कॉलेज से आप एएनएम कर सकते हो और कैसे सिलेबस है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता दूँ एएनएम है क्या। तो एएनएम का जो फुल फॉर्म है उसको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहते हैं और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं दाई, जो पेशेंट की केयर करते हैं, जो देख रेख करते हैं उनको हम दाई कहते हैं या हेल्पिंग नर्स भी कह सकते हैं, जो कि हेल्प करने का काम कर रही हैं, जो सिंपली पेशेंट की केयर टेकर के लिए ही हॉस्पिटल में अपॉइंट की जाती हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि जितने भी एएनएम करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो एएनएम कर लेते हैं उसके बाद उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जॉब मिल जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनका कार्य होता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। आपको मैं बता दूं, आप एएनएम के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, एएनएम जो कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ नाम से ये कोर्स है और ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन है 2 साल का, 2 ईयर का ड्यूरेशन है, 2 साल का यह कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये चीज ध्यान में रखना आपको कि 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी और इसी इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि पेशेंट की केयर कैसे करनी है, कैसे जो भी चीजें हैं मेडिकल की, जो भी चीजें हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह है वो पेशेंट को कैसे देनी है, जो भी एसेंशियल जो भी चीजें हैं वो कैसे पेशेंट तक पहुंचानी है, कैसे पेशेंट की केयर करनी है, सारी चीजें 6 महीने में आपको बताई जाती हैं और 2 साल जो आपकी पढ़ाई होती है वो कोर्सेज के अकॉर्डिंग होती है और सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और एएनएम जो है वो आप करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं बता दूं। एएनएम करने के लिए कम से कम आपको 12th तक की योग्यता होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए और सिंपली 12th पास होने के अलावा एक चीज और आपके दिमाग में होगी कि 12th अगर साइंस से पास होंगे, बायो या मैथ से पास होंगे तभी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। अगर आप 12th पास है, चाहे आर्ट से पास हो, बायो से पास हो, मैथ से पास हो या कॉमर्स से पास हो तो आप एएनएम कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एएनएम कर सकते हैं सिंपली किसी भी कॉलेज से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो या काउंसलिंग के थ्रू भी आप करा सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो काउंसलिंग के थ्रू भी आपका एडमिशन लेते हैं। अगर आप एएनएम सरकारी कॉलेज से करते हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको मैक्सिमम 1 साल की फीस बस 10,000 रुपये देनी होती है, 10,000 में आपका 1 साल का ये कोर्स हो जाएगा। मैं पैरामेडिकल कॉलेज से अगर ये कोर्स करना है आपको तो कम से कम अगर आपका खर्च आएगा 2 साल का तो 2 लाख रुपए मान के चलिए, 2 लाख रुपए आपको प्राइवेट कॉलेज से खर्च करने होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम आपको 10,000 रुपए आपको खर्चने होते हैं। तो ये खर्च है आपके कोर्स फीस की और मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया। अगर एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो एज के लिए आपको रिक्वायरमेंट रखी गई है इसमें, लगभग 17 से 35 साल एज रिक्वायरमेंट है, 17 साल से 35 साल के जो भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि एएनएम करें वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एएनएम करने के बाद से आपको क्या क्या
क्या क्या सिलेबस पढ़ने होते, सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये भी सारी चीजें मैं बता देता हूँ। अगर फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर में आप हो एनएम, फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में पहला जो सब्जेक्ट है वो है बिहेवियरल साइंस है आपका, जिसमें व्यवहारिक विज्ञान के बारे में बताया जाता है। जनरली साइंस के जो भी नॉलेज है, सिंपली जो टर्म चीजें हैं, जो टर्म और टॉपिक है, वो सारी चीजें इसमें बिहेवियरल साइंस में बताया जाता है। और सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य और नर्स स्वास्थ्य को नर्स से परिचय कराया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। थर्ड है हेल्थ प्रमोशन एंड न्यूट्रिशन का, जिसमें हेल्थ को कैसे सुधार करेंगे, कैसे पोषक तत्वों के बारे में जानकारी, जो भी पोषक तत्व है शरीर में कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसके बारे में इस सब्जेक्ट में बताया जाता है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। अगर चौथे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो चौथा जो सब्जेक्ट है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट थियरी है, इस ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, हेल्थ सेंटर में कैसे मैनेजमेंट व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे उसकी व्यवस्था चलेगी, ये सारी चीजें आपको इसमें थियरी के हेल्प से बताई जाती है। पांचवें सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो वो है चाइल्ड हेल्थ एंड हेल्थ नर्सिंग, तो चाइल्ड हेल्थ और हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य, जिसमें बच्चे का टीकाकरण, बच्चे के फीडिंग और बच्चे के पूरे पोषण के बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद से हेल्थ नर्सिंग है, अगर बच्चा बीमार है या माँ बीमार है तो उसमें केयर टेकिंग कैसे करनी है आपको, ये हेल्थ नर्सिंग के थ्रू इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है, बताया जाता है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वो क्या है, तो सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है पहले से ही। तो सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है वो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ एंड हेल्थ नर्सिंग, सेकेंड पेपर है आपका, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पांचवें नंबर पे, वो आप सेकेंड ईयर में पहले नंबर पे पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पहले नंबर पे पढ़ेंगे। और ये सेकेंड सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ एंड हेल्थ नर्सिंग, सेकेंड पेपर है ये आपका। और वही दूसरा अगर सब्जेक्ट देखें तो मिडवाइफरी है, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कि डिलीवरी जब कराई जाती है तो डिलीवरी से रिलेटेड थियोरेटिकल जो भी चीजें हैं वो बताई जाएंगी, और प्रैक्टिकली भी आपको हॉस्पिटल में जो इंटर्नशिप होगी उसमें आपको बताया जाएगा। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट थियरी और प्रैक्टिकल, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ा जिसमें थियरी बस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको सेकेंड ईयर में कराया जाता है। और अगर फोर्थ जो सब्जेक्ट है उसको एनवायरमेंटल सैनिटेशन कहा जाता है, तो पर्यावरण के बारे में, साफ सफाई, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे साफ सुथरा रखेंगे, इसमें आपको बताया जाता है। मतलब कि सिंपली अगर बात करेंगे इस सब्जेक्ट की तो यह सब्जेक्ट जो है आपको पर्यावरण का ज्ञान देता है, साफ सुथरा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर डालता है, ये सारी चीजें इसमें आपको नॉर्मली बताई जाती है। लास्ट है अटेंडल वार्ड, मतलब कि वार्ड में आपको कैसे अटेंड करना है, वार्ड के जो भी रूल रेगुलेशन है कैसे फॉलो करेंगे, वार्ड में पेशेंट को कैसे देखेंगे, वार्ड में कैसी आपकी ड्यूटी लगेगी, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। तो जब आप ये दो साल की पढ़ाई कर लेते हो, दोनों साल की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो 6 महीने का इंटर्नशिप आपका होगा, जिसमें प्रैक्टिकली सारी चीजें जो आप सीखना चाहते हो सारी चीजें आपको इसमें बता दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं जो एनएम है उनको जॉब कौन सी मिलेगी, तो एनएम जो है उनकी जो नियुक्ति होती है आमतौर पे, जो भी एनएम है उनकी जो नियुक्ति है रूल यही है कि पीएससी पे होता है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही इनकी नियुक्ति होती है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में जो होते हैं वहीं पे इनकी नियुक्ति होती है। इनकी जो सैलरी है 9 से 12 हजार तक की सैलरी होती है, 9 हजार से 12 हजार तक की इनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, ये 12,000 तक की सैलरी मिलती है गवर्नमेंट सैलरी, मैं बता रहा हूँ आपको। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एनएम की बात करें तो उनकी जो सैलरी है प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 से 25 हजार रुपए है, 20 से 25 हजार कमा रहे हैं, इससे भी ज्यादा बहुत सारे एनएम है जो इससे भी ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं अपने जॉब के थ्रू, अपने काम के एक्सपीरियंस के थ्रू ये पैसे गेन करते हैं, कमा रहे हैं, अच्छा बेनिफिट इनको होता रहता है, अच्छे जो पैसे इनको मिल जाते हैं अपनी जॉब में। इसके अलावा अगर देखें तो अगर कई लोग के दिमाग में ये भी चलता है कि आशा का जो काम है वो एनएम का भी काम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आशा और एनएम की कंपेयरिंग करेंगे तो एनएम, एक एनएम के अंडर में 4 जो आशा कार्यकर्त्री हैं वो कार्य कर सकती हैं, और अगर चाहे एक एनएम तो अपने अंडर में आशा के जो कार्यकर्त्री हैं उनको गाइड भी कर सकती है, चीजें सिखा सकती है, सारी चीजें बता सकती है। तो आप अपने दिमाग में अगर ये रखते होंगे कि आशा और एनएम का कार्य एक ही है तो गलत है, ये चीज निकाल दीजिएगा।
सिंपली एनम का जो काम है वो ज्यादा हो जाता है, दाई का काम है, जैसे दाई मतलब जो बच्चे की देखरेख करती है, जो उसकी माँ है उसकी देखरेख करती है, पेशेंट को दवा खिलाती है, पेशेंट की केयर करती है, तो मिला जुला के पेशेंट केयर में आपकी ड्यूटी लगेगी, लेकिन वो भी आपको लेबर रूम में मिलेगा, मतलब कि प्रसव वार्ड दिया जा सकता है जहाँ पे डिलीवरी होती है और बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे की केयर करनी होती है, माँ की केयर करनी होती है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। तो इस वीडियो में मैंने एनएम की पूरी जानकारी दे दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एनएम और जीएनएम में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो एनएम और जीएनएम के डिफरेंस को भी मैं क्लियर करूंगा। एनएम और जीएनएम की जो पूरी डिफरेंस है, क्या भिन्नताएं हैं इन दोनों कोर्स में, जॉब ऑफर क्या होता है आपका एनएम करने के बाद से और जीएनएम करने के बाद से, पोस्ट किसको कौन सी मिलती है, कौन सी पोस्ट हायर है, कौन सी लोअर है, इस तरह की जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि जीएनएम और एनएम में डिफरेंस क्या है, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, कोर्स में क्या चीजें बदलती हैं और ड्यूरेशन क्या बदल जाता है, फीस क्या बदल जाता है और जॉब ऑफर कौन सी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दुविधा है, कोई चीज नहीं समझ में आई, कंफ्यूजन है, टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपके सभी कमेंट मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी ही मैं आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो जैसी भी आपकी डाउट्स होती है आप पूछिए, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।